धर्म का पर्यायवाची है कर्तव्य, और जब जब कर्तव्यों का पालन होता है बोलो तब तब धर्म की रक्षा होती है, और जब जब कर्तव्यों का पतन होता है, हनन होता है, शोषण होता है बोल दो तब तब ही धर्म की भी हानि होती है। भरी सभा में एक नारी का अपमान होता रहा, एक वीर का धर्म होता है, योद्धाओं का धर्म होता है कि जब गऊ की गर्दन पर आरा चलता हो और नारी का अपमान होता हो तो वीर को वहां पर क्रोध करके बोलो अपनी वीरता का परिचय देना चाहिए। पर भीष्म पितामह जैसे धुरंधर सभा में बैठे रहे और मौन व्रत को धारण किए हुए धर्म की हानि हुई, और आप सभी जानते हैं कि अब तक भी देश उस पतन की पराकाष्ठा को बोल दो झेल रहा है। यदि सभा में उस दिन वीर धुरंधर धर्म की हानि ना करते तो बोल दो देश कभी गारत में जाने वाला नहीं था। महाराज धृतराष्ट्र के मन में लालच ने आता, सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। पूछा महात्मा विदुर ने, नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जो लालची होते हैं उनको नींद नहीं आती रात को, जिसके शरीर में रोग होता है उसको रात में नींद नहीं आती महाराज, और जो कामी होता है उसको रात में नींद नहीं आती, और महाराज जो किसी के धन को हरण करने की योजना बनाता है उसको रात में नींद नहीं आती। आपको इनमें से कौन सा रोग है? आपको कौन सी परेशानी है? जानते थे महाराज धृतराष्ट्र कि ये सब कुछ अधिकार है पांडवों का, लेकिन पुत्र मोह में आकर के बोलो धर्म की हानि कर गए। इसीलिए भारत देश के ऊपर विधर्मियों का बोलो राज हो गया। और लिख दिया है कवि ने क्या? हाँ भाई सिंपल मत करो माइक है ना। हे रे ऋषियों के इस भारत का कभी विश्व रहा देश तो ऋषियों का है सहारा, और इस देश में लोग विदेशी आते थे लोहे के समान और कुंदन बनकर के बोलो यहां से जाया करते थे। इसीलिए लिखा ऋषियों के इस भारत का हेर कभी विश्व रहा था चेरा, ऋषियों के इस भारत का कभी विश्व रहा था चेरा, आज दुरुपयोग के कारण हो रहा ये पतन जो फेरा, ऋषियों के इस भारत का कभी विश्व रहा था चेरा, आज दुरुपयोग के कारण हो रहा ये पतन जो फेरा।
खोखला पड़ा है, इसीलिए कहा फिर भी वे विद्वान कहा वे, फिर भी वे विद्वान कहा वे, ढाली जुलम बतहिरा देखिए क्या बताया। दूध से आदर होता था थी सभी जगह खुशहाली, दूध से आदर होता था थी सभी जगह खुशहाली, प्रेम भावना से रहते थे कोई न देता था गाली, प्रेम भावना से रहते राष्ट्र शिरोमणि देश रहा है। पर अभी आपने सुना कि मात्र कुछ स्वार्थ के लिए धर्म देश राष्ट्र के साथ गद्दारी करने में आज लोग भारत के पीछे नहीं हटते, और साधारण व्यक्ति इस कार्य को करे तो समझ में आता है साहब इस देश के साथ गद्दारी उन लोगों ने भी करी जिनके कंधों पर राष्ट्र की रक्षा का धर्म के पालन का भार था। और ये आज से ही नहीं, कभी आप सोचो भाई ये लाड़ में काले आया था 1835 में,
ये तब से ऐसा हुआ है नहीं। 712 की एक घटना हमारे देश के कुछ लालची लोगों का परिचय देती है। क्यों आर्य समाज के मंच से धर्म, वास्तविक धर्म की चर्चा बताई जाती है। लोग कहते हैं आर्य समाजी मूर्तियों का खंडन करते हैं, पूजा पद्धति का खंडन करते हैं। खंडन नहीं करते, पूजा का समर्थन करते हैं, पर कैसे वो मैं कल को आपके मध्यस्थ रखूंगी। और श्राद्ध का भी विरोध नहीं करते, अभी चल रहे हैं ना बहनों, जिनको आप कनागत के नाम से भी जानते हो। आर्य समाज ना श्राद्ध का विरोध करता है, ना पूजा पद्धति का विरोध करता है, ना दान का विरोध करता है। बस अंतर है कि लोगों ने विद्वानों की बातों को सुन करके समझने का प्रयास नहीं किया। और जैसी जिसकी बुद्धि होती है, जैसे जिसके संस्कार और विचार होते हैं, बोलो जैसा जिसका चरित्र होता है, ऐसे ही उसके मित्र भी होते हैं। शराबी के मित्र शराबी होते हैं, है ना? और बोलो धार्मिक व्यक्ति के मित्र धार्मिक होते हैं। मित्रों से पहचान लेना, जैसे मित्र हैं ऐसा ही इस व्यक्ति का चरित्र है। पर मैं निवेदन कर रही थी कि जब जब जिम्मेदार लोगों ने पल्ला झाड़ा है, तब तब देश गुलामी की पराकाष्ठा को झेला है।